ड्रामा सीरियल आजमाइश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। शीज़ा जो कि अपने मंगेतर को इतना इरिटेट कर देती है कि आखिरकार वो रिश्ते से इनकार कर देता है। रिश्ते से जैसे ही वो इनकार करता है तो शीज़ा के बाप तोफ़ैल की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। वो शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरी बेटी ने मुझे कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, घर आया इतना अच्छा रिश्ता इसने अपने हाथों से टुकरा दिया। शीज़ा अपने बाप को कहती है आपको इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ कि जिसका रिश्ता टूटा है। तो दूसरी तरफ तोफ़ैल की बीवी अपनी बेटी निमरा को कहती है देखो कुदरत ने कैसा इंसाफ किया, ये लोग हमेशा तुम पर बोहतान लगाते थे कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो, उल्टा तोफ़ैल की अपनी बेटी कटहरे में लाकर उसने तोफ़ैल को खड़ा कर दिया। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। तोफ़ैल की अचानक से तबीयत ख़राब होती है, वो हॉस्पिटल तो जाता ही है। वहाँ पर बासित उसे तसल्ली देता है सर आप फिक्र मत करें सब ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर तोफ़ैल उसे कहता है मेरी बेटी का रिश्ता टूटा है, कौन करेगा इससे शादी, तुम जानते भी हो इस दर्द और इस अजाब की कैफियत को। जिस पर बासित कहता है सर सब ठीक हो जाएगा मैं फिर भी यही कहूँगा। जिस पर तोफ़ैल अचानक से ऐसी बात कर देता है कि जिसके सुनने के बाद बासित के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो बासित से कहता है तुम करोगे मेरी बेटी से शादी। अब बासित सर की इज़्ज़त की खातिर मान जाता है, मगर शीज़ा जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी उसका बाप बासित से अब करवाना चाहता है, शीज़ा अपने बाप को कहती है वो एक आम सा मुलाजिम है आपके टुकड़ों पर पल रहा है, मैं उसे शादी नहीं करूँगी। देखते रहिए सुपर इंटरटेनमेंट।